हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफसीयू की क्लीनिंग कैसे करते हैं, दैट मीन्स कि एफसीयू की फ्लैशिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमें थर्मोस्टेट को 16 पे सेट करना होगा। थर्मोस्टेट पे जो टेम्परेचर सेट करेंगे वो 16 डिग्री करेंगे। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्रांच आई हुई हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट वाल्व से हमारा ये पाइप कनेक्ट है, ये इनलेट जा रहा है एफसीयू में, एंड ये जो पाइप है ये आउटलेट आ रहा है एफसीयू से। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्चुएटर लोकेटेड है, आप एक्चुएटर देख सकते हैं। एक्चुएटर वाटर को इन आउट करने का काम करता है। सो फर्स्ट हम इसका इनलेट वाल्व क्लोज करेंगे, जैसा कि हमने क्लोज कर रखा है। देन हम इसका आउटलेट वाल्व क्लोज करेंगे। इनलेट और आउटलेट वाल्व क्लोज करने के बाद हम इसका रिलीफ वाल्व, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिलीफ वाल्व लोकेटेड है, ये इस रिलीफ वाल्व को हल्का सा ओपन करेंगे ताकि जो भी एयर है वो एयर रिलीज हो जाए। इसे कहते हैं एयर पर्स वाल्व, एंड रिलीफ वाल्व भी इसे हम कह सकते हैं। इसे हम ओपन करेंगे। हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ से वाटर आने लगा है, ये वाटर कूल्ड एफसीयू है, इसमें ओनली वाटर इनलेट एंड आउटलेट होता है, चिल्ड वाटर। एंड ये इसका कुछ कनेक्शन है, इसका फिल्टर ऑलमोस्ट क्लीन है। सो हम एयर पर्स वाल्व को ओपन करके तब तक वेट करेंगे जब तक कि इस एयर पर्ज वाल्व से वाटर बंद नहीं हो जाता है। अगर एयर पर्ज वाल्व से वाटर बंद हो जाता है आना, देन हम स्टेनर ओपन करेंगे। स्टेनर आप देख सकते हैं ये लोकेटेड है, यहाँ पर स्टेनर लोकेटेड है। यह है वाई स्टेनर। आप देख सकते हैं ये स्टेनर है, इसे हम ओपन करेंगे थ्रू एडजस्टेबल। एज यू कैन सी ये पार्ट जो इनलेट लाइन में वाटर है वो आएगा। सो इसलिए फर्स्ट हमें इस पाइप के थ्रू वाटर को बाल्टी में जाने देंगे। इसके देखो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फिल्टर है ये पूरा चोक्ड है, इस वजह से
ये FCU कूलिंग नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट हम इसे यहाँ पे होल्ड कर देंगे इस बोतल को। एंड देन हम इनलेट वाल्व को हल्का हल्का ओपन करेंगे क्लैशिंग के लिए। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।